जय हिंद बच्चों, क्या हाल है? ठीक है, पढ़ रहे होंगे। और जैसा कि मैं आपके सामने हेलो एल्केन हेलो एरीन जो टॉपिक था उसको मैंने कंप्लीट किया, उसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी आपको बताए। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बड़ा कंसेप्ट है, मैं तो ये कहता हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज हाईली वोलेटाइल इन नेचर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितनी जल्दी याद होती है उतनी जल्दी बच्चे भूल जाते हैं, तो इसके लिए बेटर यही होता है कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को प्रैक्टिस करें लिख लिख के। हर बार मैं यही कहता हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लिख करके प्रैक्टिस करिए। तो आज इसी कंटिन्यूएशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, टॉपिक है हमारा एल्कोहल्स। यानी कि अभी हमने हेलो एल्केन हेलो एरीन पूरा किया है, अब हम लोग पढ़ेंगे एल्कोहल्स, फिनॉल्स, एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। तो हमारा टॉपिक आज का होता है एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर। तो आज इस वीडियो के थ्रू हम आप तक पहुंचाएंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर को सेपरेट डिस्कस करेंगे आपके साथ कि ईथर्स होते क्या हैं। पहले हम आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि एल्कोहल्स और फिनॉल्स क्या होते हैं। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले एल्कोहल्स फिनॉल्स की। टॉपिक हमारा है एल्कोहल्स, क्या होते हैं एल्कोहल्स, देखे हैं एल्कोहल्स। एल्कोहल्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें OH ग्रुप एल्काइल ग्रुप के कार्बन से जुड़ा होता है इस तरीके से। यानी एल्कोहल्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू द कार्बन ऑफ एल्काइल ग्रुप। यानी एल्कोहल वह ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें OH ग्रुप एल्काइल ग्रुप के कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। यानी जैसा कि मैंने ये बोला, अब अगर एग्जाम्पल की बात कर ले तो यहां पर हो जाता है RCH2OH, यहीं पर अगर हम बात कर लें CH3CH2OH, इसका नाम भी आपको पता होगा इथेनॉल है। इसी तरीके से CH3OH, इसको पता करें तो मिथेनॉल हो जाता है। इसी तरीके से पता करें तो प्रोपेन वन ऑल हो जाता है। तो आप हर जगह देख रहे होंगे कि OH वहीं पर जुड़ा हुआ है जहां पर कार्बन का कार्बन है, और वो भी एल्काइल ग्रुप का कार्बन है। तो एल्कोहल वह ऑर्गेनिक कंपाउंड हुए जिनमें OH ग्रुप एल्काइल ग्रुप के कार्बन से जुड़ा होता है। एक चीज ये है, इनका जनरल फार्मूला की बात करें तो CnH2n, इसे लिख लीजिएगा CnH2n plus 1 OH, ये जनरल फार्मूला है। अगर n की जगह पे 1 बना दें तो CH3OH आ जाता है, n की जगह पे 2 बना दें तो C2H5OH आ जाता है। ये है जनरल फार्मूला, इससे आप एल्कोहल का कोई भी एल्कोहल डराइव करना चाहे तो निकल सकता है। तो ये बात की मैंने एल्कोहल्स की। अब अगर एक जनरल बात है ना कि किसी का जनरेशन कहाँ से हुआ, एल्कोहल आए कहाँ से, अगर हम एल्केन को देखें, RH को देखें, ये एल्केन है, एल्कोन को देखें तो यहां से एक H हटा दो, एक OH जोड़ दो, बन जाता है ROH। मतलब ये एल्केन के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव भी बोले जाते हैं, एल्केन के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव भी बोले जाते हैं। और ये भी माना जाता है कि ये वाटर में से एक H हटाइए और एक एल्काइल ग्रुप जोड़ दीजिए तब भी ये, यानी एल्काइल डेरिवेटिव अगर वाटर के माने जाए तब भी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन जनरली तो ये एल्केन के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ही माने जाते हैं। तो एल्कोहल का जनरल फार्मूला भी आपको पता लग गया, एल्कोहल्स क्या होते हैं ये भी पता लग गया। एक बात जो मैं कहना चाहता हूं, अक्सर बच्चे करते क्या है, बच्चे ये करते हैं कि अगर पूछो कि एल्कोहल्स क्या है तो बोल देते हैं कि एल्कोहल्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें OH ग्रुप लगा होता है, लेकिन ये गलत है। अगर NaOH में OH लग गया तो क्या एल्कोहल हो जाएगा, वो नहीं हो सकता ना। CaOH के होल्डराइज में OH लग गया एल्कोहल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा।
तो यानी OH लगने से अल्कोहल नहीं होता है, OH कार्बन से लगने पर अल्कोहल होता है। OH जब तक अल्काइल ग्रुप के कार्बन से नहीं लगेगा, यानी अल्काइल में अब चाहे सैचुरेटेड का हो चाहे अनसैचुरेटेड के साथ में चेन में लगा हो, कार्बन की चेन में अगर OH लगा है तब अल्कोहल है, अदरवाइज वो अल्कोहल नहीं कहलाएगा। ये बात बिल्कुल 100% क्लियर है। अब यहीं पर हम लोग क्लासीफाई भी कर लेते हैं। अल्कोहल्स का क्लासिफिकेशन है, दो तरीके से क्लासीफाई किए गए हैं अल्कोहल्स, ये भी बात ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम अल्कोहल लिखते हैं, यहां पर बीच में अल्कोहल लिखे हमने और अल्कोहल को डिवाइड कर दिया हमने, तीन पार्ट में डिवाइड किया अल्कोहल को। सबसे पहले बोला प्राइमरी अल्कोहल, दूसरा बोला सेकेंडरी अल्कोहल और तीसरा हमने लिखा टर्सरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल कौन से होते हैं, जो अगर OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है तो प्राइमरी अल्कोहल, OH ग्रुप सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा है तो सेकेंडरी अल्कोहल, OH ग्रुप टर्सरी कार्बन से जुड़ा है तो टर्सरी अल्कोहल कहलाएंगे। तो यानी कि अगर हम ऐसे बोले OH ग्रुप इज अटैच टू द कार्बन कंटेनिंग एटलीस्ट टू हाइड्रोजन और वन अल्काइल ग्रुप, यानी OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है, OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो प्राइमरी नेचर में है, और प्राइमरी नेचर का मतलब इसके पास एक अल्काइल ग्रुप है या कम से कम दो हाइड्रोजन एटम है। यहां पर सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी अल्कोहल्स वो होते हैं जिनमें दो अल्काइल ग्रुप जुड़े हों और एक हाइड्रोजन जुड़ा हो, यानी कि OH ग्रुप इज अटैच टू द कार्बन कंटेनिंग एटलीस्ट टू अल्काइल ग्रुप और वन हाइड्रोजन एटम। और टर्सरी अल्कोहल्स वो अल्कोहल्स होते हैं जिनमें क्या जुड़ा होना चाहिए, तीनों अल्काइल ग्रुप जुड़े होने चाहिए, RRR तीनों जगह जुड़े हुए। अगर हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो एग्जाम्पल यहां पर आ जाता है CH3OH, CH3CH2OH अगर लिखना चाहे तो वो भी हो जाएगा, CH3CH2OH ये हो गया आपका इथेनॉल, इसे आप लोग इथेनॉल बोल सकते हैं। प्रोपेनॉल की अगर हम बात करें तो यहां पर हो गया आपका CH3, यहां पर हो गया H, यहां पर भी हो गया आपका CH3 और ये ऐसे हो गया, यहाँ पर हो गया आपका OH लगा दीजिए, ये 2 डिग्री का अल्कोहल हो गया। और अगर आपको 3 डिग्री का अल्कोहल बनाना है तो CH3 लीजिए, यहाँ पर भी आप CH3 लीजिए, यहाँ पर भी आप CH3 लीजिए, तीनों को आप जोड़ दीजिए एक कार्बन और एक OH से, तो ये बन जाता है आपका 3 डिग्री अल्कोहल इस तरीके से। तो ये मैंने क्लासिफिकेशन बताया आपको नेचर ऑफ कार्बन के हिसाब से, यानी कार्बन का अगर नेचर देखें तो कार्बन प्राइमरी होता है, कार्बन सेकेंडरी होता है, कार्बन टर्सरी होता है, इसी तरीके से प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तीनों तरीके के अल्कोहल होते हैं। तो अब यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, ये तीनों कैटेगरी के हिसाब से अगर देखें तो एक कैटेगरी और बनाई क्लासिफिकेशन एक और बताया गया है, वो क्लासिफिकेशन क्या है वो भी आपको बता देता हूँ। यानी कि OH के हिसाब से, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, तो ये तीन तरीके में डिवाइड कर देता हूं। पहले कहलाते हैं मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक कहलाते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, फिर कहलाते हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल, और फिर कहलाते हैं आपके ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, इन्हें हम लोग पॉली भी बोल सकते हैं, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, सब में अल्कोहल लगा लीजिए कोई दिक्कत नहीं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल वो हुए जिनमें केवल एक OH ग्रुप होता है, यानी कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स आर दोज अल्कोहल्स इन विच ओनली वन OH ग्रुप इज प्रेजेंट, यानी कि मोनोहाइड्रिक में प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ये सब मोनोहाइड्रिक के ही एग्जाम्पल माने जाते हैं। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कौन से होंगे, वो अल्कोहल होंगे जिनमें केवल एक OH लगा होगा, और डाईहाइड्रिक अल्कोहल वो अल्कोहल होते हैं जिनमें दो OH ग्रुप एडजेसेंट या अलग अलग कार्बन पे, एडजेसेंट पे भी हो सकते हैं अलग अलग कार्बन पे भी हो सकते हैं, वो कहलाता है डाईहाइड्रिक अल्कोहल, यानी डाईहाइड्रिक में दो OH होने चाहिए। और ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल वो अल्कोहल होंगे जिनके अंदर तीन OH ग्रुप लगे होंगे, वो एडजेसेंट भी हो सकते हैं और आस पास, यानी कि एक छोड़ के बाद में भी हो सकते हैं, तो वो कहलाते हैं ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स। तो एक क्लासिफिकेशन मैंने आपको अल्कोहल्स का दे दिया, जिसमें डाईहाइड्रिक ट्राईहाइड्रिक ये आ गए अल्कोहल्स। इसी तरीके से एलाइलिक और विनाइलिक भी होते हैं, विनाइल अल्कोहल भी होता है। अगर हम एलाइलिक और विनाइलिक की बात करें तो वो भी आपको मैं समझा देता हूँ क्या होता है एलाइल अल्कोहल और क्या होता है विनाइल अल्कोहल। अगर आपने मेरा हेलो एल्केन हेलो एरीन का टॉपिक देखा है, उसे पढ़ा है, उसे समझा है, तो वहाँ पता लगा होगा कि मैंने एक विनाइल क्लोराइड बताया था, उसी तरीके से विनाइल अल्कोहल मिल जाता है, उसी तरीके से एलाइल अल्कोहल भी होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस बेटा सिर्फ जरा सा है,
अगर OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हो उसमें डबल बॉन्ड है, यानी डबल बॉन्ड, OH ग्रुप इज अटैच्ड टू द कार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड कॉल्ड विनाइल, और एलाइल में कंडीशन है कि OH ग्रुप इज अटैच टू द कार्बन नेक्स्ट टू द कार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड, यानी OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उसके बाद डबल बॉन्ड आना चाहिए, डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट जो आना है कार्बन उस पे अगर वो जुड़ा है तो वो एलाइल कहलाता है। तो ये विनाइल और एलाइल के एग्जांपल है। यहाँ पर एक बात जरूर आपको मैं बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा, कहीं पर लिख लीजिए, काम आएगी आपको बोर्ड एग्जाम में। अगर सेम कार्बन एटम पर एक से ज्यादा OH ग्रुप लगे हैं तो वो कभी स्टेबल नहीं हो सकते हैं, यानी वहां से वाटर निकल जाता है। अगर हम देखें CH3, यहां पर हमने OH लगा दिया, यहां पर हमने OH लगा दिया, यहां पर H, तो ये स्टेबल नहीं हो सकता, यहां से वाटर रिलीज होगा। यानी कि कभी भी एक से ज्यादा OH ग्रुप अगर सेम कार्बन पर लगे हों तो बेटा स्टेबल नहीं होंगे, वो गर्म हो जाते हैं, वो अनस्टेबल होते हैं, वो तुरंत हीट करने पर उसमें से वाटर रिलीज हो जाता है। हीट ना करिए फिर भी वाटर रिलीज होगा, क्योंकि हाई रिपेलिंग ग्रुप है, ये रिपेल करना शुरू करते हैं और रिपेल करते हैं तो ब्रेक हो जाता है बॉन्ड और रिलीज होता है वाटर मॉलिक्यूल, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैंने आपको ये बताया अल्कोहल्स के बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी सी फिनॉल्स के बारे में कि फिनॉल्स क्या होते हैं। तो फिनॉल क्या है बता देते हैं आपको। अगर OH ग्रुप, यानी फिनॉल्स वह ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें OH ग्रुप बेंजीन के कार्बन से जुड़ा होता है, डायरेक्टली अटैच होता है, यानी कि फिनॉल्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू द कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग, यानी बेंजीन रिंग के कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। अगर बेंजीन रिंग के कार्बन से नहीं जुड़ा है तो वो कहलाता है आपका एरोमेटिक एल्कोहल। यानी अगर हम इसकी बात करें तो ये चला जाता है एरोमेटिक एल्कोहल में चला जाता है और ये कहलाता है फिनॉल। तो दोनों में आपको अंतर साफ दिखाई दे रहा होगा। यहाँ OH डायरेक्ट जुड़ा हुआ है बेंजीन से, यहाँ बेंजीन के साइड चेन में जुड़ा हुआ है। अब ये फिनॉल कितनी कैटेगरी के होते हैं भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने बोला मोनोहाइड्रिक या मोनोहाइड्रोक्सी बोल सकते हैं, उसके बाद हो जाता है डाइहाइड, मैं क्लासिफिकेशन ही कर देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा, उसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, वो भी क्लियर हो जाएगी बात आपकी। तो जरा देखिए बोर्ड की तरफ, सबसे पहले मैं टॉप पे लिखता हूँ यहाँ पर फिनॉल, फिनॉल्स लिख देता हूँ, और फिनॉल्स आपको बता चुका हूँ कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें OH ग्रुप जुड़े होते हैं डायरेक्ट बेंजीन के कार्बन से। इसमें सबसे पहले हमने मोनोहाइड्रोक्सी लिखा, मोनोहाइड्रोक्सी या मोनोहाइड्रिक भी बोलते हैं हाइड्रोक्सी, उसके बाद डाईहाइड्रिक या डाईहाइड्रोक्सी, डाईहाइड्रिक या डाईहाइड्रोक्सी, उसके बाद ट्राईहाइड्रोक्सी, ट्राईहाइड्रोक्सी बोल सकते हैं। मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक या मोनोहाइड्रोक्सी, डाईहाइड्रोक्सी, ट्राईहाइड्रोक्सी बोल सकते हैं। मोनोहाइड्रोक्सी में तो एग्जांपल बेटा एक ही आएगा, जिनमें अगर एक OH ग्रुप लगा है ये मोनोहाइड्रोक्सी फिनॉल में आते हैं, जैसे कि ये OH एक लगा, ऐसे कहीं भी लग सकता है OH, जैसे मान लीजिए ये क्रिसोल, अगर हम एग्जांपल की बात करें तो ये भी मोनो में ही जाएगा, लेकिन आप एक एग्जांपल फिनॉल का याद रखिए जो आपके सिलेबस में है। अब इसके बाद डाईहाइड्रोक्सी की बात करें, डाईहाइड्रिक की बात करें, इसको डाईहाइड्रिक मैं लगातार बोल रहा हूँ कि इनको हम डाईहाइड्रिक बोला जा सकता है, इसलिए घबराइएगा बिल्कुल नहीं। अब इनमें तीन कैटेगरी हो जाती हैं, तीन मतलब एग्जांपल हो जाते हैं। एक तो OH ग्रुप बिल्कुल पास में लगा हो, इसका नाम है 1.2 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन भी बोलते हैं इसे, या फिर कैटीचॉल के नाम से भी जाना जाता है, कैटीचॉल, ठीक, कैटीचॉल के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा जो है वो अगर OH ग्रुप एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पे लगे तो इसे हम लोग रिसोर्सिनॉल भी बोलते हैं, रिसोर्सिनॉल बोलते हैं, और अगर हम लोग पैरा पोजीशन पे लगा दें एक दूसरे के तो ये कहलाता है, ये आपका कैटीचॉल हो गया, ये रिसोर्सिनॉल हो गया, और ये हो गया आपका हाइड्रोक्सी क्विनॉल, या इसे केवल आप बोल सकते हैं पैरा हाइड्रोक्सी क्विनॉल के नाम से भी ये जाना जाता है। तो एक हो गया कैटीचॉल, एक हो गया रिसोर्सिनॉल, एक हो गया हाइड्रोक्सी क्विनॉल, ये आपके सामने एग्जाम्पल हो जाते हैं किसके, जो हमारे सामने डाईहाइड्रिक क्या है, फिनॉल है, डाईहाइड्रोक्सी बोल सकते हैं, डाईहाइड्रिक, कोई कन्फ्यूजन नहीं है यहाँ पर। तो ये आपने इसे 1.2 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन, 1.3 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन, तो कैटीनॉल, कैटीचॉल, रिसोर्सिनॉल
और हाइड्रोक्सी क्विनॉल या पैरा हाइड्रोक्सी क्विनॉल भी बोल सकते हैं, पैरा बोल सकते हैं, हाइड्रोक्सी क्विनॉल बोलिए कोई दिक्कत नहीं है, पैरा हाइड्रोक्सी क्विनॉल भी बोला जा सकता है। अब ट्राईहाइड्रिक में जरा चले आइए, ट्राईहाइड्रिक की बात करते हैं तो तीन OH लगे होंगे। अब तीन OH में बेटा लगने की जो कंडीशन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, तीन लगातार भी लग सकते हैं, तीन ऐसे भी लग सकते हैं, यहाँ पर लग जाए, यहाँ पर लग जाए और यहाँ लग जाए, और तीन ऐसे भी लग सकते हैं जो एक दूसरे के अल्टरनेट हो ऐसे करके। अब समस्या आती है कि इनमें क्या, जैसे कि नाम की अगर बात करें तो नाम इम्पॉर्टेंट हो जाता है इनके लिए, क्या नाम होना चाहिए इनका, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आ जाइए इसकी, इसका नाम है पायरोगैलॉल, PYROGALOL, तो इसका नाम हो गया आपका पायरोगैलॉल, और इसका नाम हो गया हाइड्रोक्सी क्विनॉल। क्या नाम हो गया इसका बेटा? हाइड्रोक्सी क्विनॉल, ध्यान रखिएगा। और जो सामने लिखा है नीचे वाला फ्लोरोग्लूसिनॉल, तो नाम तीनों याद रखना। पहला हमारा नाम है पायरोगैलॉल या 1.2.3 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन, 1.2.4 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन, 1.3.5 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन, या फिर पायरोगैलॉल, हाइड्रोक्सी क्विनॉल, और उसके बाद ये हो जाता है आपका क्या, फ्लोरोग्लूसिनॉल। और इसका नाम आप केवल इसे क्विनॉल के नाम से भी, जैसे कि इनमें उनमें कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, तो पैरा हाइड्रोक्सी क्विनॉल बोलिए, या केवल क्विनॉल से भी काम आप चला सकते हैं, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये मैंने आपको बता दिया क्या होते हैं एल्कोहल्स, क्या होते हैं फिनॉल्स, कैसे इनको क्लासीफाई करेंगे, कैसे इनको पहचानेंगे, ये मैंने सब आपको आज इंट्रोड्यूस करा दिया कि एल्कोहल्स फिनॉल्स होते क्या हैं। अगर हम आईपीएससी की बात करें तो आपको पता है कि एल्कोहल्स में हमेशा ऑल लगता है, जैसे इथेनॉल, प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन वन ऑल, तो ये हम आईपीएससी में ही डिस्कस करेंगे, आईपीएससी आपको कभी अलग से भी बता देंगे। तो जब तक आप इंट्रोडक्शन इसका बढ़िया से तैयार करते रहिएगा, हाइब्रिडाइजेशन को भी याद रखिएगा, जब भी सिंगल, जैसे यहां पर अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp2 आएगी, sp, यहां हर जगह फिनॉल्स में हर जगह sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से ही जुड़ा होगा, ना याद रहे तो फिनॉल में sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से ही जुड़ा होगा, जबकि एल्कोहल में जो कार्बन से जुड़ा होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और अगर वो विनाइलिक है तो विनाइलिक में sp2 हो जाएगा और एलाइलिक में sp3 हो जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया आज पूरा एल्कोहल्स का, इसको यूज करिए, मतलब पढ़िए, इसको यूज ना करिएगा, इसको पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, लिखिए, आपको जरूर समझ में आएगा कि व्हाट आर एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।